नमस्कार दोस्तों, आज हम भिन्नों के सवाल को हल करना सीखेंगे। आज हम भिन्न को जोड़ना और घटाना सीखेंगे। यहां पर आप देख सकते हैं कि मैंने भिन्न के तीन प्रश्न लिखे हैं और तीनों ही प्रश्न अलग अलग प्रकार के हैं। यहां पर आप देख सकते हैं नीचे में समान संख्या है, जबकि यहां पर इसी संख्या को उल्टा कर दिया गया है। तो क्या दोनों प्रश्नों को एक ही प्रकार से हल करेंगे? बिल्कुल नहीं। तो दोस्तों आज के वीडियो को पूरा देखिए, आप भिन्नों को बिल्कुल सरल तरीके से जोड़ना और घटाना सीख जाएंगे। और ये वाला प्रश्न बिल्कुल अलग टाइप का है, इसलिए मैं पूरा बेसिक सिखाने वाला हूं कि भिन्नों को कैसे जोड़ा और घटाया जाता है। घटाने की संक्रिया भी आज के वीडियो में हम सीखेंगे, पहले हम जोड़ की संक्रिया को सीख लेते हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों, यदि इस प्रकार के प्रश्न हमें दिया है जिसमें हमें भिन्नों को जोड़ना हो और यदि हर समान है, ध्यान दीजिए इसमें हर समान है, इसमें अंश समान है, तो हर जब समान हो तो बहुत ही सरल तरीके से इस प्रकार के प्रश्नों को हल किया जाता है। आप क्या करिएगा, अगर हर समान है तो हर में जो संख्या दिया है उसको लिख दीजिएगा, और ऊपर में जो संख्या दिया है, जोड़ना दिया है तो जोड़ेंगे और घटाना दिया है तो घटाएंगे। लेकिन हमारे पास यहां जोड़ना दिया हुआ है ना, जोड़ की संख्या दिया हुआ है, तो तीन और प्लस सात, इसको हम जोड़ देंगे तो सात और तीन कितना हो गया, दस हो गया, दस बटे पांच हो जाएगा। अगर कट रहा है तो कटा देंगे, पांच एकम पांच और पांच दूनी दस, तो इसका उत्तर आ गया दो बटे एक, मतलब इसका फाइनल आंसर कितना आएगा, दो ही आएगा। तो ये तो हो गया जब हर जो है क्या हो, समान हो। लेकिन अगर हर समान ना हो और अंश को समान दे दे, याद रखिएगा अंश का समान होना या ना होना उनसे हमें कोई मतलब नहीं है। जैसे इस प्रश्न में देखिए, अंश को क्या दे दिया गया है, समान दे दिया गया है, लेकिन हर जो है समान नहीं है। तो याद रखिए इस प्रकार के प्रश्नों को हमेशा कैसे बनाया जाता है, आपको अंश को नहीं देखना है, हर को देखना है, और हर में आपको ऐसी संख्या लेना है जो लघुत्तम समापवर्तक जैसे लेते हैं, तो इन दोनों का गुणा करने पर वह संख्या आ जाए, उसे हमें नीचे में लिखना होता है। कई बार क्या करते हैं, नीचे की संख्या को हम लोग गुणा कर देते हैं, जबकि जरूरी नहीं है कि नीचे की संख्या का गुणा ही किया जाए। जैसे यहां पर संख्या को देखिए, हर बार जरूरी नहीं होगा, तो इस प्रश्न को जरूर देखिएगा, बहुत सरल तरीके बताने वाला हूं। तो इसमें देखिए ऐसी कोई संख्या नहीं है जो दोनों का पहाड़ा पढ़ने पर आता हो, उससे हम क्या करें, अगर ऐसा ना हो तो हमें दोनों का गुणा कर देना चाहिए। गुणा हम तभी करेंगे जब हमें इस प्रकार के प्रश्न ना दिया हो। तो देखिए इसमें अगर हम सात और तीन को गुणा कर दें तो सात या इक्कीस, तो तीन का पहाड़ा पढ़ेंगे तब भी इक्कीस आएगा, और सात का पहाड़ा पढ़ेंगे तब भी इक्कीस आएगा। तो ध्यान दीजिए यहां पर हल कैसे करते हैं, अगर तीन का पहाड़ा आप पढ़ रहे हो, गुना कर रहे हैं, तब तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों संख्याओं को हमने क्या किया है, गुना क्या है, तो इनका गुना इनके साथ कर देंगे, इनका गुना इनके साथ कर देंगे। लेकिन इसका वास्तविक नियम यह होता है कि तीन का पहाड़ा आपने कितने बार पढ़ा, मतलब तीन का कितने से गुना किए हैं तब यह संख्या आया है। तो यहां पर हमने सात से गुना किया है, तो उस सात का पहाड़ा ऊपर वाले अंश से करते हैं, तो सात पंचे पैंतीस हो जाएगा यहां पर, ठीक है। उसी प्रकार सात का गुना आपने किससे किया तब इक्कीस आया, तो आपने सात का गुना किया है तीन से तब इक्कीस आया है। इसका मतलब सात का जिससे हमने गुना किया है तीन से, तो उसका गुना उसके अंश के साथ, तो इसका अंश कितना है पांच, इनका गुना होगा तीन से, तो पांच किया पंद्रह। तो ये हो गया हमारा प्रश्न। अब इसको हमें जोड़ देना है, पांच पांच दस का तो शून्य हो जाएगा, है ना, हासिल एक जाएगा, तीन और एक चार, और कितना हो गया पांच, ये हो गया इतना। अब यहां पर कितना आ जाएगा 21। अब ये अगर कट रहा है तो कटाना है, और नहीं कट रहा है तो बिल्कुल कटाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये आपका आंसर हो गया है। तो दोस्तों ये तो हो गया बहुत सरल तरीका, लेकिन इस प्रकार के प्रश्नों को हम कैसे बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। इस प्रकार के जब भी हम प्रश्न बनाए जिसमें भिन्नों को जोड़ना या घटाना हो, तो हमें इसका लघुत्तम समापवर्तक निकालना होता है। जैसे हमें तीन बटे आठ प्लस पांच बटे 12, ध्यान दीजिए इस प्रश्न को हम डायरेक्ट नीचे को गुना करके ही बना सकते हैं, लेकिन वो गलत तरीका है ना, क्योंकि हमें इसका लघुत्तम समापवर्तक लेना है। अब लघुत्तम समापवर्तक किसे कहते हैं, ऐसी संख्या जो दोनों संख्या का पहाड़ा पढ़ने से आ जाए और वो सबसे छोटी संख्या हो, अर्थात आठ का पहाड़ा पढ़ने पर भी वो संख्या आ जाए, तो आठ दुनी सोलह उदाहरण के लिए, तो सोलह जो है बारह के पहाड़ा में नहीं आता है, मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये है इसे हमें निकालना पड़ेगा। तो आठ या 24, देखिए 8 या 24 जो है 8 के पहाड़ा में भी आता है और 12 दूनी 24 12 के पहाड़ा में भी आता है। अब देखिए मैं जो तरीका बता रहा हूं उसको ध्यान से सुन लीजिएगा कि 8 का पहाड़ा, ध्यान दीजिएगा 8 का पहाड़ा आप कितने बार पढ़ रहे हैं तब ये 24 आ रहा है, तो तीन बार, उसी तीन का गुना उनके अंश के साथ होगा, हालांकि अंश में भी तीन है, तो हमें मतलब नीचे में 24 है तो 8 का पहाड़ा आपने कितनी बार पढ़ा, तीन बार पढ़ा, तो इस तीन का गुना उसके अंश के साथ करेंगे। देखिए यहां पर हम 12 से नहीं कर रहे हैं, तीन से कर रहे हैं, तो तीन तिया 9 प्लस, अब यहां पर देखिए 12 का गुना आप किससे कर रहे हैं, देखिएगा 12 का गुना
आप किससे कर रहे हैं, 12 दुनी 24, 12 का गुणा हम किससे कर रहे हैं तब 24 आ रहा है, 12 का गुणा हम 2 से कर रहे हैं 12 दुनी 24 आ रहा है, तो जिसके साथ गुणा करते हैं है ना उसी का पहाड़ा क्या करते हैं उसके अंश के साथ करते हैं, गुणा करते हैं मतलब। तो यहां पर क्या होगा 12 दुनी 24, तो 5 का गुणा होगा 2 से, तो 5 दुनी 10। तो दोस्तों इस प्रकार आपको गणित को हल करना होता है। तो यहां पर कितना आ रहा है देखिए 19/24, अगर ये कट रहा है तो कटाना है और नहीं कट रहा है तो नहीं कटाना, मतलब ये हमारा आंसर हो गया। हाँ इसी को आप इस प्रकार भी हल कर सकते थे तो इसका उत्तर भी यही आएगा, तो मतलब सही तरीका तो यही है ठीक है, लेकिन इसका दूसरा तरीका लोग क्या करते हैं इन दोनों का गुना कर देते हैं। चलो इसको हम गुना करते हैं तो 12 अट्ठे कितना हो जाएगा यहां पर 96 होगा ठीक है, 12 अट्ठे कितना हो जाएगा 96 ठीक है। अब हम क्या करेंगे यहां पर इनका गुना इनके साथ करेंगे तो 12 3 36 हो जाएगा, इनका गुना इनके साथ करेंगे है ना 8 5 40 हो जाएगा, फिर इनको जब हम हल करेंगे तो उत्तर तो ही आएगा, इनको आप करके देख सकते हैं कितना जाएगा यहां पर 6 आएगा और यहां पर 7 आएगा और यहां पर आएगा 96। अब इसको आप भाग देंगे, सबसे पहले तो आप 2 से देंगे, देखने उत्तर इतना ही आएगा, 2 से भाग देंगे, इसको भी 2 से भाग देंगे, इसको 2 से भाग देंगे कितना आ जाएगा ये 38 आएगा, इसको आप भाग देंगे कितना आ जाएगा 48 आएगा, फिर इसको आप कटाएंगे तो यहां पर कितना आ जाएगा 19 आएगा और यहां पर कितना आ जाएगा 24 आएगा। कुल मिला के आप देख सकते हैं हमारा उत्तर कितना आ रहा है 19/24 आ रहा है। तो ये तो एक लंबी प्रक्रिया हो गया, इसलिए मैंने जो तरीका बताया है वो बिल्कुल सही तरीका है। अब देखिए इसी प्रकार के प्रश्नों को यदि हमें भिन्नों को घटाने की संक्रिया दिया हो भिन्नों में तो उसको हम कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिए हमारे पास मान लीजिए कुछ इस प्रकार के प्रश्न है 4/9 - 7/9। अब देखिए यहां पर हमें क्या करना है, अगर भिन्न में अंश अलग अलग है हर समान है तो हर को लिख दीजिएगा। अब आपको हर समान है तो ऊपर की संख्या को जैसा दिया है वैसा ही लिख देना होता है, ये देखिए। अब जो संख्या बड़ा है उसके आधार पर हमें क्या करना है उत्तर लाना है, ये 7 बड़ा है तो आपको क्या करना है 7 में 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 3 आएगा, लेकिन बड़ा संख्या ये है तो माइनस आएगा और ये आपका हो गया 9। अब इसको कट रहा है कटा देंगे 3 1 3 3 3 9 आएगा, मतलब आपका आंसर जो है -1/3 आएगा। जी हाँ दोस्तों एक प्रश्न और देख लेते हैं और उसके बाद मैं आपको प्रश्न भी दूंगा जिसके उत्तर आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस प्रकार के गणित को प्रैक्टिस करके जरूर देखिएगा। अगर हमारे पास 8/21 इस प्रकार के प्रश्न दिया है और 2/7, यहां पर देखिए हमें क्या करना है ऐसी संख्या ले लेना है जो दोनों संख्या के पहाड़ा में आना चाहिए है ना, अर्थात लघुत्तम समापवर्तक। ऐसा कभी मत कीजिएगा इनको इनके साथ गुना कर दिए फिर इनके साथ गुना करेंगे इनको इनके साथ गुना करेंगे, हालांकि उत्तर सही आएगा लेकिन वो एक लंबी प्रक्रिया है, इसलिए मैं जो तरीका बता रहा हूं बिल्कुल सही है। आप ऐसी संख्या लीजिए जो दोनों के पहाड़ में आता है, तो 21 निश्चित रूप से 21 का पहाड़ा पढ़ेंगे तब भी 21 आएगा, 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे तब भी 21 आएगा, मतलब हमारा लघुत्तम समापवर्तक 21। अब ध्यान दीजिए 21 का पहाड़ा आप कितने बार पढ़ रहे हैं तब 21 आ रहा है, तो 21 × 1 है ना 21 × 1=21, तो उस 1 का गुना 8 से करेंगे तो ये 8 ही आएगा। देखिए हम यहां पर तिर्यक गुना बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। अब 7 का पहाड़ा आप कितने बार पढ़ रहे हैं तब 21 आ रहा है, ध्यान दीजिएगा 7 का पहाड़ा आप 3 बार पढ़ रहे हैं तब 21 आ रहा है, मतलब इस 3 का गुना इसके अंश के साथ होगा तो 3 × 2=6 ठीक है। अब इसको आप जोड़ेंगे ठीक है, तो 8 और 6 कितना हो गया 14 और यहां पर कितना आ जाएगा 21। अब अगर ये कट रहा है तो कटाएंगे तो निश्चित रूप से ये कटेगा 7 से कटेगा 7 3 21 और यहां पर आ जाएगा 7 × 2=14, मतलब आपका आंसर कितना आ गया 2/3 जो बिल्कुल परफेक्ट है। हालांकि आप 21 को 7 से गुना करते फिर 7 को 8 से गुना करते इसको गुना करते फिर कटाते तब उत्तर आपका इतना ही आता, इसलिए ये बिल्कुल सही तरीका है। मैंने कहा था कि आपको एक प्रश्न देने वाला हूं, इस प्रश्न का उत्तर आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं आपको विशेष प्रकार के प्रश्न ही दे रहा हूं, जैसे हमें कुछ इस प्रकार के प्रश्न दे दे 3/ अगर हमें दे दे यहां पर 11 दे दे और माइनस अगर हमें यहां पर दे दे 7/33, तो इस प्रकार के प्रश्नों को हम कैसे बनाएंगे जो मैंने तरीका बताया है उसी आधार पर आप उसको हल करके बनाकर देखिएगा। और एक और प्रश्न और दे देता हूं, मान लीजिए हमारे पास 5/ यहां पर 12 है ठीक है और यहां पर प्लस लिख देते हैं और यहां पर मान लीजिए 7/36 है, तो इस प्रकार के प्रश्नों को हम कैसे बनाएंगे आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और निश्चित रूप से यह गणित जो है आपको भिन्नों को जोड़ना और घटाना बहुत आसानी से सिखा देगा, इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।